हेलो एवरीवन, पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिना मावा मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क और बिना घी का इस्तेमाल किए तीन चीजों से सिर्फ 10 मिनट में चॉकलेट बर्फी बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ब्लैक बॉनबॉन बिस्किट का पैकेट लिया है। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट का पैकेट ले सकते हैं। इस पैकेट में 10 बिस्किट्स आती है। इसे हम तोड़ के मिक्सर जार में डाल देंगे। इसे ग्राइंड कर लेंगे। बिस्किट का पाउडर बना के रेडी कर दिया है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। कढ़ाई में आधा कप फ्रेश मलाई डालेंगे। एक कप दूध डालेंगे। 250 ml दूध डालना है। एक चौथाई कप बारीक वाली सूजी डालेंगे। चिरोटी रवा आता है वो हमें डालना है। ये 4 टेबलस्पून जितना है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी हम कढ़ाई को गैस पे रखेंगे। दूध और सूजी का मिश्रण थोड़ा गर्म हो जाएगा, तब तक हम इसे तेज आंच पे लगातार चला के कुक करेंगे। 2 मिनट इसे तेज आंच पे कुक किया है। अभी गैस की फ्लेम धीमी कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि सूजी का मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो अभी हम इसे धीमी आंच पे लगातार चला के कुक करेंगे। धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट कुक किया है और आप देख सकते हैं मिश्रण एकदम गाढ़ा हो गया है। इसमें लम्स नहीं बनना चाहिए। ये इतना गाढ़ा हो गया है तो अभी हम इसमें चीनी डालेंगे। 1/3 कप चीनी डालेंगे। लगभग 5 टेबलस्पून जितनी चीनी डालना है, या फिर चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। लगातार चला के कुक करेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इसमें आधा नींबू का रस डालेंगे। लगातार चला के कुक करेंगे। नींबू का रस डालने से दूध में थोड़े से दाने दाने जैसा हो जाएगा। जिस तरह से बर्फी एकदम दानेदार होती है उसी तरह का टेक्सचर आएगा। मिश्रण एकदम गाढ़ा हो जाएगा और पैन छोड़ने लगेगा, तब तक हम कुक करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे अभी कुक करेंगे। सूजी का मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो गया है और हमने मलाई डाली थी उसमें से घी भी सेपरेट हो गया है, और जिस तरह का हम डव बनाते हैं उसी तरह का ये हो गया है। इतना ड्राई हो जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। आप देख सकते हैं घी अच्छे से सेपरेट हो गया है और मैंने 2 मिनट के लिए इसे कुक किया है। गैस ऑफ कर देंगे। कढ़ाई को गैस पे से नीचे उतार लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इस तरह से कढ़ाई में इसे फैला के रखेंगे। इसे 5 से 6 मिनट ठंडा किया है और मिश्रण थोड़ा सेट हो गया है। बिस्किट का पाउडर बनाया था ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। एकदम ठंडा कर देंगे तो बिस्किट का पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अच्छे से मिक्स हो गया है। मैंने एक केक का टिन लिया है। आपके पास टिन नहीं है तो आप थाली में भी इसे सेट कर सकते हैं। इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है। बटर पेपर लगाना ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप थाली को या ट्रे को घी से ग्रीस करके उसमें भी आप सेट कर सकते हैं। ये आसानी से अनमोल्ड हो जाता है। इसमें डाल देंगे। स्पेचुला से अच्छे से इसे इवनली कर लेंगे। इस तरह से स्पेचुला से अच्छे से इसे सेट कर देना है। इसे रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएगी। अगर जल्दी है तो 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं, तो ये जल्दी से सेट हो जाएगी। बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाएंगे। ये ऑप्शनल है, आपको नहीं लगाना है तो स्किप कर सकते हैं। पिस्ता की स्लाइस ऊपर डालेंगे। स्पेचुला से दबा देंगे। इसे कट करेंगे। साइड से थोड़ा कट करके निकाल देंगे। इसका पीस मैंने कट कर दिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बर्फी लग रही है। एकदम नरम मुलायम, मुंह में डालते ही घुल जाए ऐसी चॉकलेट बर्फी बनके रेडी हो गई है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।